करो तुम ना मुझसे शादी कर लो यार, सच में अभी मैं नहीं कर सकता बेबी, आई रियली लव यू यार सीरियसली, बट मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं वही तो पूछ रही हूँ, शादी में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लिए, मैं अपने पति को छोड़ने को तैयार हूँ यार। यार देखो जान पहचान तो बनाने से बनती है, जानता कौन है आज की डेट में यार कोई किसी को, वो तो हम जब कभी किसी से रैंडमली बात करते हैं तो अट्रैक्शन होता है तो जान पहचान बनती है ना, वैसे कौन जानता है एक दूसरे को। वैसे काफी हैंडसम लग रहे हो यार तुम आज, सच में डेनिम तुम पर सीरियसली बहुत ही सूट करता है। अच्छा यार तुम्हें पता है एक बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं इतने दिनों से इस पार्क में दिन हो गया है, सच में तुम गैप गैप पे आते हो, तुमसे बात करने का इतना मन करता है ना, लेकिन बस वही है ना हिम्मत ही नहीं हो पाती तुमसे बात करने की, कि तुम्हें आके बोलूं थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है अट्रैक्शन है, सच में पसंद हो तुम मुझे यार काफी। कब आओगे तुम ये तो बताओ, मेरी जिंदगी में कब आओगे मैं ये बोलना चाहती हूँ। मैं इस पार्क में पहली बार आया हूँ। यार पहली बार आए हो तो क्या हो गया, और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप कौन हो, और मैं आपसे यार वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना यार, जान पहचान तो बनाने से बनती है यार, कब से तुमसे ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बात करने की, तुम इतने मतलब सीरियसली भगवान ने तो तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया, बहुत हैंडसम लग रहे हो सच में। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ ये बताओ तुम। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे येलो सूट करता है ना मुझ पे? जी बहुत मस्त लग रही है आपके ऊपर। अच्छा तुम्हें गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना कोई? गर्लफ्रेंड तो अभी नहीं है यार, कहीं हो, क्योंकि सब हर कोई यही बोलता है मतलब ब्रेकअप हो गया या गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो मैं बता दूं, मेरा मेरी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी, तो यार मैं बिल्कुल भी अपनी ना लाइक शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हूँ, ठीक है, तो मतलब अट्रैक्शन उस घर में रहा, इसलिए मन करता है रोज इसी पार्क में आके तुम्हें देखती रहूं। बस एक बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, यार तुम्हें देखते ही मतलब एकदम प्यार हो गया मुझे तुमसे। आज पता नहीं मुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई है कि मैंने तुम्हें सब कुछ अपने दिल की बात जाहिर कर दिया। ये फ्रेंड्स, तुम तो फ्रेंड्स की बातें कर रहे हो यार, मैं तो बहुत आगे तक की सोच लिया तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी बिताने की सोच रही हूँ तुम्हारे साथ। अभी फिलहाल मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मतलब आपके साथ मैं ऐसे नहीं करता, मतलब यार करियर नहीं आ सकता। अरे करियर तो यार हम लोग साथ मिलके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, तुम बस एक काम करो तुम ना मुझसे शादी कर लो यार, सच में अभी मैं नहीं कर सकता बेबी, आई रियली लव यू यार सीरियसली, बट मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं वही तो पूछ रही हूँ, शादी में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लिए, मैं अपने पति को छोड़ने को तैयार हूँ यार। प्रॉब्लम कुछ नहीं, अभी मेरे को करियर पे ध्यान देना है, ठीक है, तो हम लोग मिलके करियर करेंगे ना, साथ में करियर बनाएंगे ना, अच्छा फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा और हमारे बच्चे भी देखना इतने प्यारे प्यारे हो गए, वो ठीक है, बट हर दिन रात को सोते वक्त मैं हमारे बच्चों के मतलब ख्यालात मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, सच में आप ना ये कर रहे हो तो ठीक है, मैं इस चीज़ को मना तो नहीं कर सकता हूँ, आप इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हमको, ठीक है, टाइम मिल सकता है तुरंत, मतलब आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो अभी कुछ टाइम, फिर उसके बाद शादी करोगे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम करें फिर आज हम लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में चलते हैं एक होटल बुक करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं परखते हैं, है ना, और फिर शादी की भी प्लान हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाता है ना। हाँ बाद में होगी, पर रिलेशनशिप में जब तक रहेंगे उसके बाद टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद शादी तो बाद में होगी, मतलब कुछ टाइम कुछ साल बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा रिलेशन में आने के बाद एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, जब भी आगे बढ़ कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज मैंने अपने दिल की बात तुमसे बताई दी, और बताओ फिर क्या चल रहा है तुम्हारा। अरे आप कहाँ जा रही हो, क्या हुआ,
यार अभी तो आपसे हमसे बात की ना। एक सेकंड बेबी, एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड होल्ड करो। क्या हुआ? अभी आपने हमसे बात की रिलेशनशिप के लिए बारे में। क्या अभी जो आप हमसे बात की ना, तुमसे बात क्यों करूंगी मैं? यार मतलब रिलेशनशिप में हम लोग आ चुके हैं। अरे मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, ये देखो बेबी तुम होल्ड करना, शायद किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। डियर होल्ड कर रहे यार, अभी हम दोनों बात किए, अभी हम रिलेशनशिप में आए हुए हैं। यार ऐसे कैसे रिलेशनशिप, मतलब बोल क्या रहे हो तुम? तुम्हारा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अभी आप तो मतलब प्रपोज ये रिलेशनशिप आने के लिए तुम रिलेशनशिप आ गया, शादी की बात की है, शादी के बाद मैं टाइम लूंगा उसके लिए। अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या हो गया? कुछ सही है सब? कुछ दिमाग ठिकाने है? मैं तो सही हूँ। आप मतलब अभी आप जैसे हमसे बात की, बोले बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है। सर क्योंकि हम आप मुझे आप बड़े से पसंद आ गई, आप मुझसे बात करना होगा और आपका नंबर चाहिए। यार ये कोई जबरदस्ती थोड़ा है मेरे को नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे को अपना नंबर दीजिए। आप हमारे साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। मैं रिलेशनशिप में आ चुकी, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ एक। तो कोई बात नहीं, आप मतलब कोई बात नहीं, हम जो है रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ठीक है? मैं आपको जानती नहीं। नहीं, आप हमसे बात की है और आप हमको ये पसंद भी की, आप मेरे को बहुत दिन से लाइक करते हैं। अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मेरी दूसरी शादी होने वाली है बॉयफ्रेंड से। आपको मेरे को नंबर देना होगा। यार ये कोई जबरदस्ती थोड़ा नंबर देना होगा, आप पागल वागल हो गए? दिमाग आपको नहीं जाना, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? दिमाग खराब है क्या? बैठो। अरे तुम हाथ क्यों पकड़ रहे हो, पागल वागल हो क्या? बैठो पहले, बैठो सही। अरे मैं तुम्हें सुनो यार, आप इतना ना टेक इट इजी, सामने कैमरा लगा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एक छोटा सा प्रैंक शूट कर रही थी, ठीक है? मैं ब्लूटूथ कॉलिंग प्रैंक कर रही थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर, मैं अपने पति, मेरा पति होल्ड पे है। किसी को फीलिंग के साथ ऐसे नहीं रहता है। अरे मैं मजाक कर रही थी ना, वही तो यार देखो आपको बता के करती तो फिर वो रैंडमली मजा ऐसे ऐसा नहीं होता यार। आप मेरे को पहले से मतलब आपने आपको पसंद किया, मैंने भी आपको मतलब पसंद लाइक कर दिया, आपको बहुत खूबसूरत लगी। आप मेरे को नंबर दो, आप मेरे को लेकर सीन में हम। अरे यार देखो आप मेरा नंबर ले लो एज अ फ्रेंड, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती, आई एम मैरिड, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, वो होल्ड पे है। कोई बात नहीं आप नंबर ले लो कोई, अच्छा नंबर ले लो, एज अ फ्रेंड हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लिखो नंबर ले लो, ठीक है? और हाय से हाय टू माय कैमरा, कैमरा इज ओवर देयर सामने, हाय, ठीक है? बुरा ना लगे तो अपलोड कर दो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पक्का? यार दिल पे मत लिया करो, सिर्फ एक नाम ऐसे नहीं करता है, मतलब किसी के फीलिंग के साथ मतलब कोई बैठा हुआ। अरे मैं किसी और से बात करती, बोला था प्रैंक शूट कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। लड़का बहुत ज्यादा सीरियस हो गया यार, सच में ध्यान रखो अपना, ठीक है? आई होप फॉर द बेस्ट, आपको बहुत, मुझसे भी बहुत, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कन्या मिलेगी तुम्हें, ठीक है? चलो बाय। बहुत-बहुत शुक्रिया।